हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग जो कि हमारी कार पे एडिट हुई है, जो कि हमने पिक्सार्ट में एडिट करी है। सो सबसे पहले आपको इस तरह की एडिट करनी है, तो सबसे पहले एक फ़ोटो क्लिक करना है सिंपल सी, और इसको हम फोटो को हम इरेज कर लेंगे, जो कि आपको पता ही होगा कि इरेज कैसे करते हैं प्रॉपरली। और आपको नहीं पता प्रॉपर इरेज कैसे करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी जो कि मेरी वीडियो है, जिसमें आपको पता चल जाएगा प्रॉपर कि बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। सो उसके बाद हम इस बैकग्राउंड पर हम यहाँ फोटो एडिट करेंगे जो कि हमारी इस तरीके की होगी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, पिक्सार्ट में इसको फोटो को ले जाते हैं, मतलब बैकग्राउंड को ले जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड आ चुका है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कट कराया फोटो का, उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सो मैं इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा लगे। ओके, डन ऐड करने के बाद यहाँ से डन कर लूँगा। डन उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो एकदम फेक लग रही है। फेक क्यों लग रही है, हमारी शेडो नहीं है फोटो में। सो सबसे पहले हम यहाँ पे शेडो बनाएंगे। सो डॉटल में जाएंगे, इसका थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसकी साइज़ फुल कर देंगे, देन ओपासिटी 10 के करीब रख देंगे। ओके, फिर यहाँ से इसे सेट कर देंगे एंड हल्के हल्के से इसके पैरों के नीचे से इसकी शेडो बनाएंगे। तो यहाँ से मैं अभी इसे एम्प्टी लेयर चूज़ करूँगा शेडो बनने के बाद। अब मैं जो पैरों के मिडिल में एरिया आ रही है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे शेडो मार दूँगा। सो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रियल शेडो लग रही है। सो मैं इसका ओपेसिटी यहाँ से 19 कर दूँगा, 19 के करीब। देन यहाँ से इसको डन कर दूँगा। सो हमारी शेडो एकदम रेडी हो चुकी है। अब सिंपली कुछ नहीं करना, हमें कुछ PNG हैं जो कि हमें फ़ोटो पे अपनी लेयर मतलब फ़ोटो पे हमें ऐड करने हैं, जिनकी लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से सिंपली जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड इसका स्क्रीन कर दूँगा और सिंपली इस एक लाइट को यहाँ पर ला दूँगा, इस लाइट के ऊपर, गाड़ी की लाइट के ऊपर, ताकि फ़ोटो एकदम रियल लगे। और दूसरा लाइट को इस तरफ लगा दूँगा। ओके, देन यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करना, हमें डन कर देना है। देन अगेन हम ऐड फोटो पर जाएंगे, उसके बाद ये लेंस फिलर का PNG इसको हम ऐड करेंगे, एक ये जो ऊपर PNG इसको हम ऐड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम इसको साइड में रख देंगे। सो बात करें इसकी, तो इसको मैं ब्लेंडिंग मोड इसका स्क्रीन करूँगा, देन इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। ओके, देन सेकंड वाले को भी इस तरीके से सेम रखूँगा। देन ये जो है इसका मैं ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखूँगा, लेकिन उसको मैं सबसे बड़ा करके ऊपर की साइड लगा दूँगा। देन जो एक्स्ट्रा पार्ट मेरे फेस पर आ रहा है उसको इरेज कर लूँगा, देन यहाँ से सिंपली डन कर दूँगा। ओके, सो अब जाएंगे हम पिक्सार्ट के लेंस फिलर के ऑप्शन में, जो कि हमारे सबसे मतलब सबके पास होता है। सो सेकंड वाला लेंस है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको फुल कर देंगे, मतलब साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। सो इसको फर्स्ट लाइट पर मतलब गाड़ी की लाइट पर लगाएंगे, उसके बाद इसका डुप्लीकेट कॉपी करके सेकेंड वाली पर लगा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा एकदम फोटो रेडी हो चुका है, और सिंपली यहाँ से डन कर देंगे। सो हमारी फोटो एकदम रेडी हो चुकी है। आप सिंपली कुछ नहीं करना, डॉटर में जाएंगे और फोटो को यहाँ पर सेव कर देंगे। और अब चलते हैं हम लाइट रूम। सो लाइट रूम में आने के बाद मैं इसका कॉन्ट्रास्ट हल्का सा कम कर दूंगा, हाईलाइट भी कम कर दूंगा, शेडो हल्की सी बढ़ा दूंगा, देन इसका ब्लैक भी कम कर देंगे हल्का फुल का सा, इसमें लाइटिंग इफेक्ट डालेंगे। देन इसके बाद मिक्स टूल में जाएंगे, जो कि हमारा फेस कलर है, इसको सैचुरेशन हल्की सी कम करेंगे और उसमें ग्लो लाने के लिए हम ल्यूमिनस की बढ़ा देंगे। ओके, देन येलो कलर की सैचुरेशन हल्का माइनस में 100। ओके, ह्यू बढ़ा देंगे 100 और सैचुरेशन मतलब ग्रीन और येलो की एक से रखनी है। ओके, सो ब्लू की ब्लू बेस की ह्यू कम, सैचुरेशन ज़्यादा और ल्यूमिनस हल्की सी कम। ओके, देन ये वाला कलर आता है, इसको मैं प्लस ह्यू रखूँगा इसकी फुल। ओके, देन सैचुरेशन इसकी हल्की सी लिटिल बिट बढ़ा देंगे, देन डन कर देंगे। देन हल्का सा टेम्परेचर छोड़ेंगे, टिंट बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस बढ़ा देंगे इसकी, वाइब्रेंस बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन कम कर देंगे। देन हल्की फुल्की सी क्लियरिटी दे देंगे फोटो के अंदर और विग्नेट लिटिल बिट। देन हाईलाइट का कलर मैं इसको येलो टोन में रखूँगा हल्का सा। देन यहाँ से सिंपली डन कर दूँगा। देन इसका हल्का सा ग्रेन अमाउंट बढ़ा देंगे फोटो के अंदर, शार्पनिंग दे देंगे और नॉइस रिडक्शन कर देंगे।
मैं अब यहाँ से जाऊँगा, मैं सिंपली सिलेक्टेड टूल पे, सिलेक्टेड टूल के बाद यहाँ से हम सर्कल चूज़ करेंगे जो कि हम इस तरीके इस तरफ लगाएंगे। सो सिंपली यहाँ से इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे और कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा देंगे। सो सिंपली हम इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे इस पर प्रेस करके। सो इसको हम राइट साइड में लगा देंगे फोटो के। सो अब यहाँ से ग्रेडियंट मार देंगे नीचे की साइड से। सो हल्का सा इसका एक्सपोजर कम कर देंगे और लिटिल बिट इसकी क्लियरिटी बढ़ा देंगे। ओके सो अब यहाँ पर फेस पे हम मार देंगे थोड़ा सा सर्कल ताकि हमारा फेस ग्लो हो जाए। देन यहाँ से सिंपली डन कर देंगे। सो अब हम जाते हैं अपने कर्व टूल में जो कि मैं फोटो में जब भी एडिटिंग करता हूँ मैं हमेशा इसका यूज़ करता हूँ ताकि शेडो और एक हाईलाइट एक प्रॉपर मैच हो जाए फोटो के अंदर। सो यहाँ से मैं इसका हल्का फुल्का सा इसमें फेडेड लुक दूंगा। सो आप इस तरीके से देख लीजिए कैसे करता हूँ मैं। इसे डन कर देंगे। सो अब यहाँ पे हमारी फ़ोटो रेडी हो चुकी है। आपको देख सकते हैं मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी पिक्सल फट नहीं रहे हैं, हमारी फ़ोटो एकदम एच डी में। सो देखिए पहले कुछ इस तरह की फ़ोटो थी, ये हो जा देखिए ये हो गई बिफोर एंड देन इसके बाद हमने आफ्टर जो हमने लाइट रूम में एडिट करी। सो आप लोग देख सकते हैं एक सेकेंड, आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्त एडिट हुई है, एकदम रियल लग रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि बैकग्राउंड से मैच नहीं हुई फ़ोटो, एकदम बैकग्राउंड से मैच भी हुई है और हमारी एकदम मतलब एच डी में फ़ोटो हुई है। देखिए बिफोर देन आफ्टर पिक्सार्ट में ऐसी थी और लाइट में हमारी एडिट ऐसी हुई। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और फोटो एडिटिंग से रिलेटेड और वीडियो और देखना चाहते हो सो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक दे रखी मैंने डिस्क्रिप्शन में। सो बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। सो बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।